हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोग को रेडीमेड अनारकली कुर्ती की फिटिंग करना बताऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना हैवी है और इसी में ये घेर है। तो घेर हमको नहीं कम करना है, केवल कमर और सीना और स्लीव्स यही कम करना है। तो यहाँ पर हम इसको अब इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पे उल्टा कर लिए हैं, उसके बाद इसको इस तरह से सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से पहले इसको सही कर लेना है एकदम अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद यहाँ पर सीने से लेके कमर तक हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हिप में निशान नहीं लगाना फिटिंग का, क्योंकि ये फ्रॉक है, अनारकली फ्रॉक है। तो इसमें हम इस तरह से, तो यहाँ पर ये सीना है 41 इंच और कमर है 36 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हम 41 इंच सीना और 36 इंच कमर लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 20.5 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच उधर छोड़ेंगे, हाफ इंच इधर छोड़ेंगे। उसके बाद इस तरह से निशान लगा लेना है इस साइड और इस साइड। उसके बाद यहाँ पर निशान लगा लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 36 इंच है, तो 36 का हाफ 18 इंच। तो इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से 18 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे, हाफ इंच इधर भी छोड़े हैं, हाफ इंच इधर भी छोड़े हैं। तो यहाँ पर इस तरह से और सेंटर देख के आप लोग को निशान लगाना है। तो बीच का सेंटर एकदम बिल्कुल इस तरह इंची टेप से रखना है, उससे पता चल जाता है। तो इस साइड भी कपड़ा उतना छोड़ना रहता है उस साइड भी। इसके बाद यहाँ पर आरमोल देखेंगे, तो आरमोल हमारा 18 इंच है, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद मोरी देखेंगे, तो मोरी हमारा 11.5 इंच गोला है, 11.5 इंच का 5.5 इंच 2 पॉइंट इस पर निशान लगाएंगे। तो उतना मेरा तैयार है। तो मोरी को फिटिंग नहीं करना है, तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ से भी चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पर ये देखिए फिर निशान लगाएंगे। उसके बाद इसी पर से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो इसी पर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से आरमोल चेक करना है। तो आरमोल यहाँ से 9 इंच पे, यहाँ एकदम परफेक्ट है। तो इसी पर से हमको सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई हमको केवल हिप तक लगाना है, नीचे तक फिटिंग नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रॉक सूट है। तो यहाँ पर इस तरह से हिप तक हमको सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से अगर आप लोग फिटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा, अपने घर में ही अच्छे आसान तरीके से फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमको दूसरे साइड भी सिलाई लगाना है। तो यहीं तक सिलाई लगाएं, यहाँ से यहाँ तक हिप तक। उसके बाद दूसरे साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, उसके बाद यहाँ से हिप से इस तरह से गोलाई में इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इसी निशान पर सिलाई लगाते जाएंगे, जहाँ से इधर हमको सिलाई नहीं लगाना है घेर की तरफ। उसके बाद यहाँ से हिप से थोड़ा सा कपड़ा लेके उसके बाद फिटिंग लगाते जाना है पूरा स्लीव तक। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद इसमें हम इस तरह से करके डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से एक बार हमको
आर्मोल चेक कर लेना है। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे तो यहाँ पे 9 इंच तैयार है। उसके बाद यहाँ से हम फिर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद इसी तरह से दूसरे साइड भी डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने फिनिशिंग से सिलाई लग गया है। इसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा लेना है डबल। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी डबल सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देखिए केवल हिप तक ही लगाना है। तो यहाँ पर अब इस तरह से हम चेक करेंगे, इसका सीना चेक करेंगे और कमर चेक करेंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे, उसके बाद इंची टेप लेंगे, उसके बाद इसको हम नापेंगे इस तरह से। तो जहाँ से हम निशान लगाए थे, जहाँ से सिलाई लगाए वहाँ पर रखेंगे इंची टेप को, उसके बाद इस सिलाई तक नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट मेरा 20.5 तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ कमर पे नापेंगे, तो कमर पे यहाँ पे रखेंगे जहाँ से सिलाई लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर एकदम परफेक्ट, आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट 18 इंच कंप्लीट है। तो उसके बाद यहाँ पे ये मेरा फिटिंग कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाए हैं। उसके बाद जो यहाँ धागा है उसको भी इस तरह से काट लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फिटिंग लग गया है यहाँ पर। अब इसको हम सीधा करेंगे, तो इस साइड देखिए दोनों साइड कितने अच्छे से हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, उसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये मेरा कुर्ती फिटिंग हुआ है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।